मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूँ, वो ही तो है मेरा खुदा। हरेक परिस्थिति के भलाई के लिए रूपांतरित करने का प्रभु मदद दे। हालेलुया।
उस समय हम सच में प्रभु की शांति को अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। आप इसे कई बार सारे लोग शायद बहुत सारी समस्याओं को लेकर यहाँ आए होंगे, तो हमारे फादर जन और सिस्टर जन यहाँ बैठे हैं, आप उनके पास जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे, आपके जीवन में क्या प्रभु की योजनाएं हैं वो आपको बताएंगे। तो जो लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं, व्यक्तिगत परामर्श करना चाहते हैं, फादर और सिस्टर के यहाँ पर बैठ गए साइड में, आप उनके पास जा सकते हैं। जो लोग सत्संग में आ रहे हैं और उन्होंने प्रभु की आशीष को अनुभव किया, आपके जीवन में चुनाई हुई है, आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, वो लोग क्या करके डेस्क के नीचे जो डेस्क लगा है मेहनत नहीं बैठती है, वहाँ पर जाकर अपने आप को जो आशीष मिली है, जो साक्षी आपको मिला है वो हम बता सकते हैं। थोड़े समय के बाद हम आप लोगों को यहाँ से जो लोगों को प्रभु ने उनको स्पर्श किया है वो बताना चाहते हैं। तो आप लोगों को अगर प्रभु ने कोई आशीष दी है तो जरूर हमारे वॉलंटियर्स के पास डेस्क में जाकर बताएं। हालेलुया। आज मैं आपके साथ प्रभु के पवित्र वचन में से मरकुस के सुसमाचार से एक बात पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में दो भाग हैं, पुराना विधान और नया विधान। नए विधान में पहले चार जो ग्रंथ हैं उसको हम सुसमाचार कहते हैं, गॉस्पल। यीशु मसीह के बारे में उनके जीवन, उनकी शिक्षाएं, यीशु के पीछे हम कैसे चल सकते हैं, ये अगर आपने सीखना है तो सुसमाचारों को पढ़ना है, गॉस्पल्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे वो वचन हमारे हृदय में आके उतर जाएगा और जब वो वचन हमारे जीवन में उतर आएगा तो हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे, हमारा जीवन बदलेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम यीशु के वचनों के अनुरूप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को यीशु के वचनों के अनुसार बदल सकूं? कितने लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। मरकुस के सुसमाचार में 10वीं अध्याय में एक बहुत ही सुंदर घटना का विवरण, 46वां वचन, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 46वां 46। यीशु यरीको शहर पहुंचे, यरीको शहर था, उस शहर में यीशु पहुंचे। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें अपने विश्वास की आंखों से उस जगह को देखना है। हमें विश्वास करना है कि जिस प्रकार यीशु यरीको में पहुंचे थे 2000 साल पहले, आज यीशु में सामर्थ्य है हमारे सामने, हमारे पास पहुंचने का। यीशु यरीको शहर पहुंचे, वहां ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ, उनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्यों के साथ, बड़ा जनसमूह उनके साथ था, उनके साथ वहां से जब निकल रहे थे तब तिमियुस का बेटा बर्तिमियुस, एक व्यक्ति था उसका नाम बर्तिमियुस था, उसके पिता का नाम तिमियुस था, वो व्यक्ति एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ध्यान दीजिए, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे, हम जब सड़क पर चलते हैं हर एक रेड लाइट में जब आपकी गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे भिखारी आते हैं। आपने कभी उस भिखारी को देखकर नहीं पूछा होगा आपका नाम क्या है? मैंने कभी पूछा, लेकिन बाइबल में एक भिखारी जो सड़क के किनारे उठा बैठा है उसका नाम तक दिया गया है। कहने का मतलब क्या? प्रभु हमें नाम से जानने वाला ईश्वर है,
आपको बताया हुआ है।
विश्वास था, इसीलिए उसने पूरी आवाज से यीशु को कहा। आप जब सत्संग में आते हैं, किसी ने आपको कहा होगा आप इधर आइए, निराश मत होइए, पूरे हृदय से यीशु को पुकारिए, पूरे हृदय से इस अंधे भिखारी की तरह आप यीशु को विश्वास करते हैं। रोटी में उपस्थित, ये रोटी का टुकड़ा नहीं यीशु है। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पास आएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आप उतारिए उस यीशु को, आप दिलाइए उस यीशु को, वो उतर देगा, वो जीवित परमेश्वर है। यहां पर जो साक्षी हम सुनते हैं वो साक्ष्य हमको ये बतलाती है कि यीशु जीवित है, यीशु हमारे जीवन में काम कर रहा है, यीशु हमारे जीवन को स्पर्श करना चाहता है, यीशु हमारे जीवन को बदलना चाहता है। मुझे आवाज पुकारा दाऊद के पुत्र मुझ पर करुणा कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर करुणा कर। बहुत अच्छी प्रार्थना है, करुणा और मांगता है, करुणा वो मांगता है जो सोचता है कि मैंने कोई गलत किया है, करुणा वो मांगता है जो सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे चीज है जो ईश्वर से मुझे दूर रखते हैं, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में ऐसी गलतियां हैं, करुणा वो मांगता है। एक घमंडी व्यक्ति करुणा नहीं मांग सकता। Thank you.
लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है हमारे पुकारने का, लेकिन बाइबल में लिखा है उसने लोगों की नहीं सुनी, उसने अपने विश्वास की, अपनी आत्मा की आवाज को सुनी, जो आपको कह रहा उसको कह रहा था तुम नहीं हो सकते हो। उसने और भी ऊंची आवाज में चलाया, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दया। क्या हुआ आगे वचन में लिखा है, ईसा ने रुक कर कहा, यीशु चल रहे थे, वचन में लिखा है यीशु ने रुक कर कहा उससे बुलाओ, अपने शिष्यों से कहा उसे बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए बंदे को बुलाया, भारत जैसे ही यीशु ने बुलाया जो लोग अभी तक कह रहे थे चुप हो जाओ, वो कहने लगे मत मत मारो वो तुम्हें बुला। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो जो लोग जो शत्रु थे जो हमारे विरुद्ध थे वो अभी हमारे साथ हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। भारत रखो उठो वह तुम्हें बुला रहा है। बाइबल में लिखा है वो अंधा अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया, वो एक चादर होने बैठा, उसने अपनी चादर निकाल कर फेंक दी, एक छलांग लगाई और यीशु के पास चादर उसके पुराने जीवन का प्रतीक है। वो चादर उसने हटा दी, उसने कहा ये चादर मुझे गर्मी से बचाता था, ये चादर मुझे जाने के दिन में मुझे सर्दी से बचाता था, ये चादर मेरी सुरक्षा है। लेकिन उसने वो चादर को हटा दिया और उसने कहा जब मैं यीशु के पास जाऊंगा मुझे कोई भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हूं वैसे मैं जाऊंगा। और वो यीशु के पास आगे वचन में लिखा है ईसा ने उसे पूछा, ध्यान से सुनिए, ईसा ने उसे पूछा क्या चाहते हो, प्रभु ने क्या पूछा क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यीशु ने उसे पूछा तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, क्या चाहते हो। यीशु खुली बांधी देख रहा था कि बंधा है, यीशु ये भी जानता था कि वो अपनी आंखों के लिए ही मांगे, फिर भी यीशु ने उससे पूछा क्या चाहते हो। हमसे भी प्रभु पूछता है, आप सत्संग में आए हैं, आपसे भी प्रभु पूछता है आप क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो हमें बताना है। अंधे बर्तन में इसने क्या कहा, अंधे ने उत्तर दिया गुरुवर मैं फिर देख सकता हूं। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने सबसे छोटी प्रार्थना की, उसने कहा हे प्रभु मैं फिर से देख सकूं, हे गुरु मैं फिर से देख सकूं, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम भी देख सकते हैं इसके लिए प्रार्थना करते हैं, शायद हमारी भौतिक आंखें हों लेकिन आत्मिक रूप से हम कुछ भी नहीं देख सकते, आत्मिक रूप से हम अंधे हैं। हो सकता है कि हम बीमार हैं, प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मुझे चक्कर कर दीजिए, प्रभु मुझ में शांति नहीं है मुझे शांति दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है मुझे आनंद से भर दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है मैं लक्ष्य की तरफ भटकता हूं, संसार की चीजों में मैं आनंद पाना चाहता हूं, हे प्रभु मुझे लक्ष्य दीजिए हम देगा। अंधे ने कहा मैं फिर से देख सकता हूं, यीशु का क्या उत्तर था, यीशु ने नहीं डाला जैसे भीड़ ने उसे डाला, उस प्रकार से यीशु ने नहीं डाला। वचन में लिखा है ईसा ने उसे कहा जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, यीशु ने सही कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हें आजाद किया है, तुम्हें मुक्त किया है, तुम्हारा विश्वास ने उद्धार की ओर मुक्ति की ओर चढ़ाई की ओर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर की ओर ले जाता है, यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। आगे वचन में लिखा है उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया, उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया बहुत अच्छा है उस लाइफ में बहुत सारी चीजें, उसी क्षण उसने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसे आंखें खोल दिया, उसकी आंखें खुल गई, जब आंखें खुल गई तो वह संसार के पीछे नहीं भागा, वो यीशु के पीछे चलने लगा। जब
लेकिन सूचना रखने से पहले हम लोग जल से पवित्र जल से आप लोगों की आशीष दी जाएगी। हमारे जो फादर लोग हैं वो आकर आपको पवित्र जल से आशीष देंगे। ये पवित्र जल के आशीष में कलीसिया की प्रार्थना पूरे चर्च की प्रार्थना छिपी हुई है। जब जल से आशीष की जाती है तो आपके ऊपर प्रभु का आशीष उतरता है। आप जिन फसलों